यूपी के प्रयागराज की ओर ले चलते, जहां माघ मेले में आए हुए साधु संत हितकारिणी हृदय नारायण सेवा संस्थान, इन्होंने धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल भूमि आवंटन के लिए आचार्य अबुज कुमार पांडे और उनके साथी घर माघ मेले में भूमि आवंटन के लिए भूख हड़ताल किए हैं। उनका कहना है कि अधिकारी अनसुना कर रहे हैं और भूमि को भी सही रूप से दिया नहीं जा रहा है और उन्हें कई बार अधिकारी इसके बारे में भी बताया लेकिन कोई अधिकारी इनकी आवाज़ नहीं सुन रहा है। एयरपोर्ट है माघ मेला में आए, देखते हैं ये लाल संत हृदय नारायण सेवा संस्थान के भूख हड़ताल की, आप इसमें जानकारी क्या है? यह मेला प्रभारी कार्यालय के आप इस आवंटन के लिए भूमि आवंटन के मेला प्रभारी को 8 दिसंबर को भूमि आवंटन के लिए दे दिया गया था अप्लीकेशन। इसके बाद मेला प्रभारी ने कहा आपके 25 तारीख को, 25 तारीख से बराबर हम लोग दौड़ रहे और DM साहब के पास भी गए थे, कमिश्नर साहब के पास भी गए थे, उनके भी ऑफिस कार्यालय में हम लोगों ने रिसीविंग करवा दिया था और कमिश्नर से खुद मिले थे। कमिश्नर साहब ने कहा जाके आप जिलाधिकारी से मिलिए। जब जिलाधिकारी के पास आए तो जिलाधिकारी न बैठने के कारण ADM साहब वहाँ बैठे हुए थे। ADM साहब ने कहा जाके सिटी मजिस्ट्रेट से मिलिए। जब सिटी मजिस्ट्रेट से मिलते हैं तो सिटी मजिस्ट्रेट OC साहब को मार्क कर देते हैं। अब OC साहब से मिलते हैं, OC साहब आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। अब 5 तारीख को आश्वासन कह रहे हैं, 1 तारीख के बाद 5 तारीख, अब माघ मेला हमारा 10 तारीख से पूर्ण होने वाला चालू हो जाएगा, हमारे कल्पवासी लोग 7 तारीख से यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम भूख हड़ताल करते रहेंगे। हमारे साथ अन्य कई संस्थाओं, कई महात्मा, कई कई जिलों से, कई कई प्रांत से स्थित हुए हैं, जैसे फतेहपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, गुराव, प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश, रीवा, जौनपुर। जिसका सोर्स था उसका हो गया बाबा, जिसका सोर्स था वो भाई आज निकल रहा है। बोलने दीजिए, जब तक घूम आप बताइए। जी जी, क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अप्लीकेशन दिए हैं, संस्था वाले हैं सब लोग साथ में और तमाम से संत हैं जो कई जिले कई प्रांत से आए हैं और हम लोग इस चाह रहे हैं कि हमारी भूमि आवंटन की जाए और सुविधा दे दी जाए, क्योंकि मेला 10 से शुरू होगा और 7 से सारे लोग संत आने वाले हैं। जब तक हमारी भूमि आवंटन नहीं होती है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि मेला प्रशासन से कि वो हमारी भूमि आवंटन करें और सुविधा बराबर दें। यही बात है, आप क्या कर रहे हैं? यही हमारा भी निवेदन है मेला प्रभारी से कि हमको जो है, क्योंकि हम लोग नई संस्था वाले हैं, हम लोग जो है हम लोगों को भी सुविधा और दिया जाए और हम लोग जब तक जो है हम लोगों को भूख नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग बराबर भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इसलिए यही हमारा कोई सोर्स नहीं बता जिन लोगों का पावर था उन लोगों को भूख दे दिया गया और बताना बाबा जी जो है जिसको जिसको सोर्स था दे दिया। अरे छोड़ो ना, उनको पैसे क्या करना है आपको? अरे हम भी नहीं संस्था वाले हैं। अरे तो आगे लगे तो संस्था ने जोरा काम दे रहा है, यहाँ बैठो जोरा काम दे रहा है। मेरी संस्था 7 तारीख को हम लोग आ जाएंगे। नहीं नहीं, संस्था जोरा मिल नहीं रहा, हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। जब तक हम लोगों को मिलेगा कल से नहीं है, कल आइएगा, कल नहीं है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो इस समय से हम प्रयागराज में माघ मेला में आए हैं। अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, कितने भी साधु संत हैं समस्याओं से लेना, लेकिन DM SDM यहाँ तक अधिकारी कोई यहाँ आ नहीं रहा है, कोई इतने मत सुनवाई नहीं हो रही, मतलब इतना लापरवाही है कि वो बड़े मीठे हैं है। आप समझ लीजिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। अभिषेक मिश्रा, जय हिंद। आपका पसंदीदा चैनल प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज Star TV पे उपलब्ध है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।